आखिरी दिन आज प्रचार का और जिस तरह से जुबानी जंग बढ़ती जा रही है, विज्ञापनों में भी एक असर कुछ उसका दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि जो अखबार छपे हैं, बीजेपी ने जो एडवर्टीजमेंट दिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पूरे पन्ने पर उभर कर दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो एनडीए कह चुका है नीतीश कुमार का होगा वो गायब है उससे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे हैं, शायद बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से लोगों की नाराजगी है और वो सड़कों पर खुलकर आई है, लोग उसको बयां करने लगे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी हो और वो बयां नहीं करते थे लोग, अब मुखर जो है दिखाई देने लगे हैं लोगों के शब्द, नेताओं के शब्द। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को भी अब यह एहसास शायद हो गया है कि अब वो वैसी उनके लिए बिहार नहीं है जिस तरीके से उन्होंने 2005, 10 और 15 में जो है वो बिहार सरकारें बना ली थी। इस बार की राह बहुत आसान नहीं है और इसीलिए बीजेपी को भी ये लगता है कि नीतीश कुमार को जितना वो आगे बढ़ाएगी उसका नुकसान उसको हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे विज्ञापन में अगर किसी एक व्यक्ति का चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इसलिए क्योंकि बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता है जिनके नाम पर जो है वो वोट मिल सकता है और बिहार के अंदर बहुत ही पॉपुलर है नरेंद्र मोदी। और 2019 का जो चुनाव है वो भी देखा है जब 39 सीटें जीते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार का माहौल ऐसा नहीं है। एलजेपी जो एनडीए का घटक दल था वो खुद नीतीश कुमार के खिलाफ हो गया और ये तक कह रहे हैं कि 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो किसी अधिकारी, किसी भी नेता और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको बख्शेंगे नहीं जब उनकी सरकार बनेगी। वो ये नहीं बता रहे कि सरकार किसके साथ बनेगी, सरकार वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ बनेगी। बीजेपी ये कहती है कि हम जेडीयू के साथ हैं लेकिन एलजेपी के साथ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी ने जो है अपनी सीटें जो दी है, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। उन्होंने बीजेपी के छोड़े हुए लोगों को टिकट दी है, उन्होंने जेडीयू से आए लोगों को टिकट दिया। बहुत सही बात और सही पॉइंट यहाँ पर उठाया और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द आज ही चर्चा रहने वाली है। हिमांशु आपके पास लौटूंगी लेकिन जरा जवाब भी हम ले लें बीजेपी से। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ है। गुरु प्रकाश जी, ये विज्ञापन भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उभर कर जो मैसेज आ रहा है मोदी नाम केवलम, प्रधानमंत्री तो केंद्र में है ना, बिहार में आपका चेहरा कौन है? एनडीए बेशक कह रहा है नीतीश कुमार आगे है लेकिन वो तो इस विज्ञापन से गायब है, बोझ हो गए हैं क्या नीतीश कुमार आपके लिए? नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हमारे पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने बार बार ये कहा है कि एनडीए का बिहार में मतलब है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, और हमारे पार्टी का नेतृत्व 2020 के चुनाव में श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। पहली बार मीनाक्षी जी ऐसा हो रहा है, मेरा तो जन्म बिहार में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई, जो बिहार में चुनावी विमर्श है वो सकारात्मक है। पहली बार जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, पहली बार पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जिस प्रकार की टीका टिप्पणी चिराग जी कर रहे हैं उसकी मैं आलोचना करता हूँ कि किसी भी स्तर पे राजनीति में ऐसा विमर्श नहीं होना चाहिए और एक सकारात्मक है, क्योंकि वो अपने आपको युवा बिहारी कहते हैं ना, उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि स्वरोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें। और जो बुनियादी परिवर्तन बिहार ने पिछले 20 वर्षों में देखा है, आप कोई भी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, स्टेटस। लेकिन गुरु प्रकाश जी, हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जब केंद्र से जो बड़े नेता हैं, दिल्ली से वो नेता जब बिहार पहुंचते हैं, तमाम बड़े मंचों पर वो लालू राज की याद दिलाते हैं, ये बताते हैं कि उस दौरान ये था, जबकि कसौटी तो आज के जमाने में ये होनी चाहिए कि पिछले 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे पिछले के 15 साल में क्यों जाते हैं सारे बड़े नेता? नहीं, अच्छा है मीनाक्षी जी आपने पूछा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ है। मैं आपकी जानकारी के माध्यम आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि बार बार पब्लिक हेल्थ की बात होती है, 2005 में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर होता था वो 61 होता था, अब 2019 में 34 हो गया है। जो मातृ मृत्यु दर MMR कहते हैं, 312 हुआ करता था 2005 में, अब वो 149 हो गया है, डबल डिजिट। 30 लाख प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार में पहुंचे थे, क्या हुआ उनके साथ? उनमें से वो तस्वीरें तो आपको भी याद होंगी ना, सड़कों पर न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय करके परिवार को साथ लेकर अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जब पहुंचे थे बिहार में, उनके लिए क्या हुआ? उनमें से 17 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई है मीनाक्षी जी, और लगभग 5,300 रुपए हर एक प्रवासी श्रमिक भाई और बहन पे स्पेंड किया गया है। आप यहाँ के क्वारंटीन सेंटर को उठा के देख लीजिए, और बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर ऐसे भी हैं उत्तर बिहार में जहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है और वो मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क भी बेच रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।